हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। गाइस, आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 3 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है मैथ्स। ये वर्कशीट 12 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट टू नो आर नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव सीन मैनी ऑब्जेक्ट इन योर सराउंडिंग। स्टूडेंट्स, आप अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते होंगे। आर दे हैव सेम डायमेंशनल और डिफरेंट। क्या वो सेम होते हैं, सारे शेप साइज के सेम होते हैं या अलग अलग होता है। लेट अस लर्न अबाउट कंपेयरिंग टूडे। तो देखो, हम जितनी भी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, अपने आसपास अभी भी तुम देखो बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्या वो सारी सेम हैं? नहीं ना, सब क्या होती हैं, अलग अलग, सबका शेप साइज अलग अलग होता है। अब देखो, यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, हमें ध्यान से देखते हैं। पिक्चर में 3 बॉय दिए गए, रोहन, मोहन एंड सोहन। हु इज़ टॉलेस्ट बॉय इन दिस पिक्चर। इन पिक्चर में सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबा लड़का कौन सा है? तो हम लिख देंगे सोहन। तो क्या हो जाएगा, सोहन यहाँ पे सबसे लंबा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा। हु इज़ शॉर्टेस्ट बॉय इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में सबसे छोटा बच्चा कौन है, उसकी हाइट सबसे कम है? तो वो हो जाएगा रोहन। ध्यान से समझो इसमें क्या कहा गया है, इसमें हमें कंपेयरिंग करना है। तो सबसे लंबा कौन है, सोहन, और सबसे लंबा छोटा कौन है, रोहन। आगे देखते हैं क्या एक्टिविटी दी गई है, ध्यान से समझेंगे। एक्टिविटी, लेट अस कंपेयर नंबर्स। कंपेयर नंबर 2, 4, 3, 8 एंड 9, 4, 7, विच इज़ बिगर देन। देखो यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए हैं और हमें कंपेयर करके ये बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखो, जब भी नंबर्स दिए जाते हैं तो हम उनके डिजिट काउंट करते हैं, जैसे कि 2, 4, 3, 8 है और सेकंड है 9, 4, 7। इनका नंबर काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। इसका नंबर कितना है, 4 डिजिट है इसके अंदर, इसके अंदर कितनी है, 3 डिजिट। अगर नंबर की डिजिट में फ़र्क हो तो हम जिसकी डिजिट ज़्यादा होती है उसको नंबर को हम बिगर नंबर मान लेते हैं, बिगेस्ट नंबर मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2, 4, 3 इज़ 4 डिजिट नंबर एंड 9, 4, 7 इज़ 3 डिजिट नंबर। सो 2, 4, 3 इज़ बिगर। तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 3 नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। देखो नोट क्या लिखा गया, नंबर विद मोर डिजिट, जिसकी क्या हो, जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट हो, बिगर होता है एज़ कम्पेयर टू बिगर नंबर हैविंग लेस डिजिट। जिसके पास कम डिजिट, 2 नंबर दिए जाए, मान लो आपको एक के पास नंबर ज़्यादा हो और डिजिट क्या हो, एक के पास में कम हो, तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा जिसकी क्या है, डिजिट क्या है, ज़्यादा है। अब सेकेंड क्वेश्चन आ जाए कि अगर दोनों ही नंबर क्या दिए जाएँ, सेम नंबर के दिए जाएँ, सेम डिजिट के दिए जाएँ, जैसे कि देखो 76, ये तो बहुत ईजी है, हमें इतनी काउंटिंग तो आती है, हम इजीली समझ जाएंगे कि क्या है। देखो इनमें से बिगर नंबर कौन सा है, 76 क्या हो जाएगा, बिगर। और बिगर की तरफ जो माउथ है वो हमेशा ओपन रहता है। देखो ये बनाया माउथ और इसको हमने ओपन कर दिया, खा जाएगा ना बड़ा, तो ये देखो माउथ ओपन रहेगा, वो नंबर कैसा हो जाएगा, बिगर नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो क्या कहा गया है, ध्यान से समझेंगे आप। इफ नंबर ऑफ डिजिट इन बोथ नंबर आर इक्वल, अगर दोनों ही आपको नंबर दे दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया 6, 7, 9, 8 और 7, 8, 5, इन दोनों ही डिजिट क्या है, इनकी सेम है, फॉर एग्जाम्पल, तब हम क्या करेंगे, इन द केस वी कंपेयर 1000 प्लेस। अब हम देखो 1, 10, 100, 1, 10, 100, दोनों में सेम है। अब हम इनका 1000 वाला नंबर को अंडरलाइन कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इनके 1000 वाले नंबर को हमने अंडरलाइन कर लिया, ये इसको अंडरलाइन कर लिया, यहाँ से हमने इसको अंडरलाइन कर लिया। अब इन दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे। देखो ये है 6, ये है 7, तो कौन सा नंबर बिगर है, 7 नंबर बिगर है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7, 8, 5, 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7, 8, 5, 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है कि अगर 1000 का नंबर सेम हो जाए, जैसे कि 6, 9, 7, 8 और 6, 4, 8, 9। अब हमने ये किया, ये हमारा 1000 का नंबर है, हम 1000 का नंबर देखते हैं तो सेम है, तो इसको कर दो कट। अब देखो नेक्स्ट नंबर, अब हम 100 का नंबर लेंगे, यहाँ पे क्या है, 9 है, यहाँ पे 4 है। अब कौन सा बिगर है, तो ये वाला बिगर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 6, 9, 7, 8 क्या है, बिगर है 6, 4, 8, 9 से, ठीक है। ध्यान से, मतलब आप वो पहले तो नंबर डिजिट काउंट कीजिए, अगर डिजिट इक्वल है तो वो जो सबसे पहला नंबर है 1000 का, या हो सकता है इससे बड़ा नंबर हो तो लैक भी हो सकता है, तो 1000 का नंबर इक्वल है तो नेक्स्ट नंबर ले लो। अगर ये नंबर भी इक्वल होता तो हम ये वाला नंबर ले लेते, ठीक है। अब जब आपके पास में बुक दी गई है, उस बुक में से आप वो क्वेश्चन इनको सोल्व कीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिए गए, ध्यान से समझेंगे। देखो क्या है, पुट द एप्रोप्रिएट साइन इन द फिलिंग द ब्लैंक्स। कंपेयर करना है 9, 5, 8 और 5, 6, 8 में से बिग नंबर कौन सा है। देखो यहाँ पे हमने लिया, ये 9 है और ये 5 है, दोनों की क्या है, डिजिट क्या है, देखो इक्वल है ना दोनों की डिजिट, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे ये 9 है और ये क्या है, 5, तो दोनों में कौन सा नंबर बिग हो जाएगा, तो ये वाला नंबर बिग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 क्या है, बिग है। अब यहाँ पे ये 4 डिजिट नंबर है और ये 3 डिजिट नंबर है, ये कितना है, 4 डिजिट और ये है
थ्री डिजिट, तो कौन सा नंबर बिग हो जाएगा, जिसके डिजिट ज़्यादा होते हैं, तो ये नंबर इसका क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा। नेक्स्ट, कंपेयर द फॉलोइंग इन अरेंज देम असेंडिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जिसमें हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, ठीक है, तो ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, 85। सबसे देखो इन नंबर्स में सबसे छोटा कौन सा है, 85। उसके बाद हम लिखेंगे 685। उसके बाद हम ये वाला नंबर लिखेंगे, उसके बाद 695। ध्यान से देखते जाओ, देखो उसके बाद है 4875 और लास्ट में हम लिखेंगे 4998। ध्यान से देखो, मैंने क्या किया है, पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका उल्टा, पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ा नंबर, पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर, लिखो 4998, हमने पहले क्या लिख दिया, सबसे बड़ा नंबर। अब उससे छोटा नंबर क्या है हमारे पास में, इसका एकदम उल्टा हो जाएगा, 4875। अब क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, 695, उसके बाद 685 और लास्ट में हमारे पास में क्या हो जाएगा, 85, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, ध्यान से करना है, समझ के करना है। थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोकती हूँ, आप इसको अच्छे से कीजिए। अब हम देखेंगे आगे क्या दिया है वर्कशीट में, ध्यान से, ये हो गया, अब हम इसको हटाते हैं, अब हम देखते हैं ध्यान से। अच्छा, वर्कशीट तो कम्प्लीट होगी, तो आज की वर्कशीट कम्प्लीट होती है। वर्कशीट कम्प्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।